बेटा कंट्रोल इज़ अ ग्लोबल लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम विद ओवर 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड मैनी थाउजेंड्स ऑफ इंस्टॉलेशन इन मोर देन 50 कंट्रीज। तो जो बेटा कंट्रोल है वो कमर्शियल बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम बनाने में एक ग्लोबल लीडर है। उसके पास 250 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है और बहुत ज़्यादा काफ़ी जगह इन्होंने इंस्टॉलेशन भी करवा रखी है अपनी 50 से ज़्यादा कंट्री में। अभी पूरा कंपनी का बारे में बता रखा है, इसको पढ़ने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। सीधा काम की बात करते हैं। अज्यूमिंग योर सेल्फ एज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑफ BC, द CEO हैज आस्क्ड यू टू एड हर इन हर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो CEO है BC की, उसने आपसे मदद मांगी है BC की इम्प्रूवमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए। फर्स्ट शी वांट्स योर व्यूज़ ऑन द यूज ऑफ EVA एज द की परफॉर्मेंस मैट्रिक एट BC। वो जानना चाहती है कि जो EVA है अगर उसको की परफॉर्मेंस मैट्रिक की तरह यूज़ किया जाए BC में तो उसके ऊपर आपके विचार क्या रहेंगे। आपको जो करंट EVA कंपटीशन है वो आपको दी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सस्पिशियन है क्योंकि जिस असिस्टेंट ने ये काम किया है जो EVA जो कंप्यूट किया है वो उतना अच्छे से ट्रेंड है नहीं, तो आपको उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है। Required, write a report to the chief executive officer to evaluate the accuracy of the EVA calculation and assumptions. तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखी है, नॉन कैश एक्सपेंस दे रखा है, अभी तक तो ठीक ही कर रखा है। फिर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज 46.2, नोट नंबर 7, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर हैज़ बीन 46.2 lakhs ईच ईयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स टू बिल्ड द लॉन्ग टर्म ब्रांड। मतलब ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और इस साल भी खर्चा हुआ है, पिछले साल भी इतना ही खर्चा हुआ था, तो इस साल हुआ है और आपने ऐड कर दिया है, बहुत बढ़िया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है अभी भी। फिर इसने टैक्स लेस किया है, टैक्स देखिए 9 पॉइंट में, तो BC हैज़ पेड टैक्स ऑफ 260 lakh while द टैक्स चार्ज पर अकाउंट वॉज 269.60 lakh। और यहाँ पर टैक्स कितना चार्ज किया है 269.60, यानी यहाँ पे हमें क्या करना था, हम जो टैक्स एक्चुअली जो पे किया है उसको हम लेस करते हैं, बट इसने क्या किया जो टैक्स जो चार्ज हुआ है उसको लेस किया है, तो यहाँ पे इसने गलती कर दी। यहाँ पे इसको यहाँ पर 260 lakh वो करना चाहिए था। इधर टैक्स और इंटरेस्ट जो है वो लेस किया है इसने, तो ये तो अक्रूअल बेसिस पे होता है तो इसने तो कोई गलती होगी नहीं। फिर नो पैट इसने डाल दिया, ठीक है। अरे फिर तो इसने जो वो प्लस ही नहीं किया इंटरेस्ट को वापस, आपको इंटरेस्ट प्लस करना होता है ना नेट ऑफ टैक्स, वो इसने प्लस नहीं किया, ये गलती है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड के नोट्स देख लेते हैं हम, 4802 उठाया है और नोट नंबर 10 है, 4802 क्लोजिंग आ रहा है, हमें ओपनिंग चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी गलती है। फिर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही नोट नंबर 7 कि पिछले साल जो है वो भी तो इतना ही लगा था ना मार्केटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उसने ये तो ठीक किया है, फिर एडजस्टेड कैपिटल लगी, ठीक है। अब WACC देखते हैं, डेट टू इक्विटी कितना है 1:1 है, तो यानी हाफ हाफ हो गया, ठीक है। इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी 50%, कॉस्ट ऑफ डेट 7.8%, बट कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पे क्या आता है प्री टैक्स थोड़ी आता है, पोस्ट टैक्स आते हैं, तो मतलब आपने यहाँ पे प्री टैक्स ले रखा है, तो ये गलती कर रखी है यहाँ पे, तो इस ये सारी गलती है। अब हम एक ना नया EVA ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इनको क्या क्या बताएंगे हम, क्या क्या गलती है, छोड़ो एग्जीक्यूशन और पढ़ लेते हैं। टैक्स रेट डेट इक्विटी 1:1 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, कॉस्ट ऑफ डेट प्री टैक्स है 7.80, हमें चाहिए पोस्ट टैक्स, ठीक है। तो इसमें से हम जो टैक्स है कितना परसेंट है 30%, ये रहा 30% लेस कर देंगे, यानी -30%। इंटरेस्ट चार्ज जो है वो इतना हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था, देखो तो इंटरेस्ट हम यहाँ पे प्लस करना था ना हमें, इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, तो इंटरेस्ट हमने इतना चार्ज किया 163.20 lakhs। करंट फिजिकल ईयर में जो BC है उसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्च किया, 80 लाख रुपये उसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया इस साल, ठीक है। तो ये भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जाएगा, क्योंकि जो जो एक्सपेंस हम ट्रेनिंग पे खर्च करते हैं वो लॉन्गर पीरियड तक हमें बेनिफिट देता रहता है, तो ये एक तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर वही मार्केट एक्सपेंडिचर, इस साल पिछले साल दोनों साल हमने 46.2 lakh का खर्च किया है टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म ब्रांड, तो ये फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। फिर R&D के ऊपर भी खर्चा हुआ है 20 लाख का, ये भी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया,
और जो टैक्स पे किया वो 260 लाख का, बट जो एक्रूअल जो हो रहा है वो 269 लाख का हो रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। तो चलो हम ईवीए बना ही लेते हैं। अब ईवीए का फॉर्मूला सबको पता ही है। अब हम नोपैट करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ से आ गया। फिर इसमें नॉन कैश एक्सपेंस यहाँ तक तो ठीक ही था ना, तो यहाँ पे नॉन कैश एक्सपेंस हमने डाल दिया 30.20, ठीक है। तो नॉन कैश एक्सपेंस आ गया। फिर मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज, ये भी ठीक था, ये भी डाल दिया हमने, ये तीन डाल दिए, ठीक है। तो हम एडजस्टमेंट किस चीज़ की करते हैं, डी एंड डी की करते हैं। तो डी से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मार्केटिंग हमने नीचे नोट्स में देखा कि मार्केटिंग एक्सपेंडिचर के अलावा और भी दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जो 80 लाख खर्च किए हैं वो आर एंड डी में, फिर हमने जो खर्च किए हैं 20 लाख वो मार्केटिंग वाले, तो हमने ऑलरेडी लिखे लिए ऊपर 46.2। तो 80 लाख और 20 लाख दो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हैं, ये रहा 20 लाख, ये रहा 80 लाख, ठीक है। तो अब डी एंड डी, तो डी से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एन से नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश एक्सपेंसेस, और डी से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कहीं पर भी दे नहीं रखा, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, भूल जाएंगे डेप्रिसिएशन को। तो मतलब एक तरीके से हमने जो सारी एडजस्टमेंट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में, वो सारी एडजस्टमेंट हमने कर दिया है। उसके बाद हमें टैक्स पेड जो है लेस करना है। तो टैक्स पेड हमने कितना किया, एक्चुअल में 260 किया था, तो हम 260 को लेस कर देंगे। उसके बाद टैक्स ऑन इंटरेस्ट जो यहाँ पे दे रखा है 48.96 एक्रुअल बेसिस वाला, ये भी कर देंगे। यानी ये दोनों हमने काम कर दिए, ये आ गया हमारा। फिर WACC निकाल लेते हैं। WACC क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर प्रपोर्शन ऑफ डेट इन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स, ये रहा प्रपोर्शन। क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो 1:1 है तो हाफ हाफ हो जाएगा इधर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, कॉस्ट ऑफ डेट 7.8%, बट हमें पोस्ट टैक्स चाहिए तो इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे 30% का। तो ये हमारा WACC आ गया, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 10.23% आ गया। अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लेंगे हम, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। क्वेश्चन में क्या अभी क्या किस ये क्लोजिंग लेकर के कंप्यूट कर रखा था, बट हमें चाहिए तो ओपनिंग, तो ओपनिंग ये रहा 4564 लिख दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, डी एंड डी का एडजस्टमेंट करेंगे। तो डी से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो पिछले साल कौन से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुए थे, देखो करंट फिस्कल ईयर में ट्रेनिंग डेवलपमेंट में 80 लाख रुपये खर्च किए हैं, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि ये पिछले साल भी खर्च हुए थे। आर एंड डी में भी इस साल 20 लाख रुपया खर्च हुआ है, पिछले साल कितना हुआ हमें नहीं पता, दे भी नहीं रखा कि हुआ भी था कि नहीं हुआ था, इस साल का दे रखा। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर में हाँ हमें दे रखा कि पिछले साल भी इतना ही हुआ था 46.2 लाख का खर्च, और इस साल भी हुआ है। तो मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें पिछले साल का मिल गया एक 46.2। नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस पिछले साल का कुछ दे नहीं रखा है, डेप्रिसिएशन कुछ दे नहीं रखा है। तो मतलब हमने सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करनी है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर की या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप इसे कह सकते हो। तो हमने एडजस्टमेंट कर लिया, यानी प्लस कर दिया, तो हमारा अब इतना आ गया 4610.20। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में रख देंगे, और फॉर्मूले में सबको रख दिया, हमारा आंसर आ गया। लेकिन एक मिनट रुको, यहाँ पे जो एडजस्टेड जो नोपैट होता था, फिर हम उसमें जो नेट इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स है वो भी तो प्लस करते थे ना। तो एक मिनट देखने दो मेरे को, प्लस क्यों नहीं कर रखा है। अरे भूल गया मैं भी, इंटरेस्ट हमने कभी इसमें से लेस ही नहीं किया, तो प्लस क्यों करेंगे। इंटरेस्ट अगर लेस कर दिया होता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता, तब हम उसमें इंटरेस्ट प्लस करते, बट ये तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इंटरेस्ट हमने जब माइनस ही नहीं किया तो इंटरेस्ट प्लस क्यों करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप इसको इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमने ईवीए देखो निकाला, कितना निकाला 498.62, और अभी कितना आ रहा था यहाँ पे, अभी ईवीए आ रहा था 860.64 और हमारा 498। तो देखो इसने ईवीए गलत निकाला था, तभी तो ईवीए इसका ज़्यादा आ रहा था। सॉरी ये ईवी ने नोपेट है, ईवी रहा 307.498। तो इसने ईवी गलत निकाला था, इसलिए इसका ईवी कम आ रहा था, हमने ज़्यादा निकाला है, ईवी ज़्यादा है, ये सही ईवी है, ठीक है।